सागवाड़ों के साथ कंधे पर उठाकर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत को दी गई विदाई। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के स्थानांतरण के बाद आज विदाई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सागवाड़ा उपखंड अधिकारी यतिन्द्र पोरवाल, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, तहसीलदार रमेश चंद्र वडेरा, विकास अधिकारी मूलाराम सोलंकी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी लाल शंकर बलाई सहित सागवाड़ा नगर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत को कुर्सी सहित कंधों पर उठाकर गोल चौराहे से घुमाते हुए विदाई दी गई। इस अवसर पर विदाई कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों ने फूलमाला पहनाकर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत को विदाई दी। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत इससे पहले कपासन, भरतपुर जैसे स्थानों पर अपनी सेवाएं देकर जनता के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ चुके हैं। फिलहाल नए थाना अधिकारी के रूप में हरेंद्र सिंह सोडा को नियुक्ति दी गई है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत एक विनम्र स्वभाव के और अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास कायम करने में कामयाब हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सागवाड़ा शहर में अल्प समय की सेवाएं काफी सराहनीय रही और हमेशा जनता याद रखेगी। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, समाज सेवी केपी सिंह चिखली, नहर सिंह गुड़ापला, हरिश्चंद्र सिंह बुचिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, दिनेश चंद्र झांगा सहित बोरा समाज के लोग भी मौजूद थे। इस दौरान सागवाड़ा थाना के पुलिस कर्मियों ने उन्हें कुर्सी सहित अपने कंधों पर उठाकर खुशी खुशी विदा किया। आपको बता दें कि थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत का स्थानांतरण सागवाड़ा शहर से उदयपुर जिले के प्रताप नगर पुलिस थाने में हुआ है। इस अवसर पर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, एक बार सुनिए जरूर।
सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।